पर द्वारा जो है स्वागत है। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं मिस्टर अनूप स्वरूप जी, के जाने मैंने जो है ना पर्सनालिटी हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आप हमारे मध्य प्रदेश में जो जागरण यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर वाइस चांसलर रहे हैं। आप जो है एसेंशियली IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस को बिलोंग करते हैं, तो इनको गवर्नमेंट का पूरा ज्ञान है, इनको एजुकेशनल एकेडमिक का पूरा ज्ञान है, इनको इंटरनेशनल डायमेंशन का ज्ञान है। आज जो है ना CFB इनको एक अपने साथ जोड़कर इनकी मजबूती से जो है ना अपने आप को मजबूत महसूस कर रहा है। मैं अनूप जी का इन शब्दों के साथ स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि उनका अपना इम्प्रेशन क्या है, जो अभी हम ढेर सारे वीडियो ऑडियो जारी कर रहे हैं, आपकी आपको क्या लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये सिर्फ जो है दिमागी उड़ान है, या कई लोग कहते हैं कि इट इज टू यूटोपियन। आज ही हमारे जो चाचरा जी हैं उन्होंने कहा साहब इट इज टू यूटोपियन, तो मैंने उनसे कहा कि भाई यूटोपियन हो, आइडियलिस्टिक हो, और यदि ग्राउंड में मुफ्त में मिल रहा हो तो आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए भाई? यदि आदर्श चीज आपको, यदि आदर्श आपको लेटर पे कोई दूसरा सभी तकलीफें सह के आपको उपलब्ध करा रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो इन्हीं इसी बात के साथ मैं अनूप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शब्दों में अपना परिचय दें, और साथ में ही मैं ये भी चाहूंगा कि वो CFB को उन्होंने क्या समझा है, CFB वो आशीर्वचन के रूप में क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या रिफाइनमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे। आपका आपका बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। और अभी मैथिली जी आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन हमारे जो नए मित्र हैं मैं उनका पहला नाम ठीक से नहीं सुन पाया था। आपको विकास धनकर, धनकर जी, विकास धनकर, विकास जी, जी बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके। और मैं जैसा आप देख रहे हैं मैं दुनिया के दूसरे छोर पर हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, मेलबर्न। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हर बात करके। जी जी अच्छा। रात के 9 बज चुके तो मुझे इस बात का बड़ा एक तो विस्मय भी है, आश्चर्य भी, आश्चर्यजनक बात भी है कि ये इतनी एनर्जी मैथिली जी के पास कहाँ से आती है। मैं अभी देख रहा था कि नॉन स्टॉप विकास जी जब आपसे बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था शायद इन्होंने 40 मिनट तक नॉन स्टॉप अपनी बात कही, और शायद उसके पहले से बात कर रहे होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि संसार में जो भी बदलाव होते हैं वो ऐसे ही लोग करते हैं जो कि जिनमें एक जुझारूपन हो, जो बोलते हैं अपनी बात पर। तो मैं ये नहीं बोलूंगा यूटोपियन है जो भी सोच है मैथिली जी की, ये बहुत अच्छी सोच है। ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारे सुधार करने होंगे तरीके, हाँ, तो समय के साथ हम लोग बदल सकते हैं उसमें। आपको याद है महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आज मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर कल उसी बात को पलट दूं और कुछ और बात कहूं तो मैं आप मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है, हम लोग मानव हैं और हम लोग की सोच में बदलाव आ सकता है और हम लोग समय के साथ साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैथिली जी की हम आपको तारीफ करेंगे, और मैं इतने सालों से इनको जानता हूँ, इनमें एक जो गजब का एक वो एक तो जीवट बहुत है, इनमें एक जुझारूपन है, इनमें एक ऐसी बड़ी सोच है, व्यापक सोच, जैसे कि मैं देख रहा हूँ क्योंकि एंड टू एंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, चूंकि इन्होंने कहा कि आप अपना भी परिचय दे दें, तो भारत सरकार से मैं तो हम थे ही बहुत साल और मेरा एक के मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं भारत सरकार में फेडरल गवर्नमेंट में था, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, मैं अटल जी के समय से, अटल जी के पहले से हम
मानव संसाधन मंत्रालय, उसके बाद राजस्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो मैं अलग अलग पदों पर अलग अलग मैथिली जी की तरह ही काम कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद मैं यूएन में गया, जी जी, उसके बाद मैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ में गया। और एक चीज जो मैंने वहां जो देखी, और मैं आपकी बात सुन रहा था मैथिली जी की, तो मुझे क्या है कि याद आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 तक थे, उनके बाद अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए जो 2030 तक हैं। तो SDGs में एक सोच है कि शायद आप एक परिकल्पना लेके चले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, जो कि आप नहीं कर पाए और करना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी अगर पा पाए पूरे विश्व में, तो यही एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो बोलते हैं ना चेंज, तो ये चेंज होगा। तो ये जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, किसी ना किसी रूप में उनको उनकी प्रवृत्ति उनका आप कहीं ना कहीं आप पाते हैं इस पूरे इनकी जो व्यापक सोच है। तो मैं इतना बोलूंगा कि शायद हम लोगों को नए लोगों से मिलते जाना है, और ऐसा नहीं कि सारा ज्ञान मैथिली जी के पास है या मेरे पास है या आपके पास है या किसी के भी पास है। इवन प्रधानमंत्री जी भी, अगर प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को अगर सक्सेस होनी है, सफलता मिलनी है, तो उसमें पूरे देश का साथ होना जरूरी है, और देश में भी बुद्धि वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का। तो जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने अपने विषय में कुछ ज्ञान रखते हैं, उनको अपने भारत के विकास में सहयोग देना होगा, तभी भारत एक विश्व का वो राष्ट्र बन सकता है जो बोलते हैं विकासशील। अभी तो हम लोग विकासशील हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित होने वाली जो बात थी, जो कि अब्दुल कलाम ने भी कही थी 2020 तो निकल गया, लेकिन आने वाला समय जरूर हमारे लिए विकास का समय है। चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मुझे याद है, मैं तो बहुत बार चाइना गया हूँ, 1990 में चाइना कहीं पिछड़ा हुआ था हिंदुस्तान से, भारत से, और आज देखिए अगर आप जाते हैं तो मुझे खुद का आश्चर्य होता है कि 30 साल में इतना बड़ा क्या बदलाव आ गया चाइना में। और चूंकि मैं ना, इन्होंने अभी आपसे बात की, मैं 2 विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहा हूँ, फाउंडिंग वाइस चांसलर रहा हूँ, तो और एक है यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया पैसिफिक, उनके गवर्निंग बोर्ड पर हूँ, साथ ही साथ भारत की AIU जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, 1000 विश्वविद्यालयों का एक समूह जो है, उसमें भी मैं गवर्निंग बोर्ड पर हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जो काम चाइना कर सकता है वो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जुझारू व्यक्तित्व की बहुत कमी है, और जैसे कि मैथिली जी और जैसे कि आप हैं विकास जी, क्योंकि आप जितनी तन्मयता से उनकी बात सुन रहे थे, मैं देख रहा था कि आपके मन में जरूर विचार आ रहा होगा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन आपका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कोई चीज आप कोई पॉइंट ना मिस कर जाए। तो मैं अब इसके अलावा मैं, जी जी, तो इसके अलावा मैं दो और बातें करूंगा। एक तो ये एक संस्था है सेंटर फॉर ग्लोबल नॉन किलिंग, जो कि हवाई में है और जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के साथ संबद्ध, और मैं उसके अध्यक्ष हूँ, तो मैं चेयरमैन हूँ संस्था का। और ये एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें पूरे विश्व में ये माना गया, सोचा गया कि शायद अहिंसा पूरी तरह से प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अहिंसा आपके मन में भी हो सकती है, अहिंसा आपके व्यक्तित्व में हो सकती है, सॉरी हिंसा आपके व्यक्तित्व में हो सकती है, लेकिन जहां तक अहिंसा का सवाल है, शायद प्राप्त ना हो पाए, लेकिन एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, लेकिन हत्या ना हो ये जरूर पूरा। और ये चीज मैंने देखी कि ये भारत में हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी एक हमारी पहचान है, चाहे वो भगवत गीता देख लें, चाहे रामचरितमानस, या हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, और हमारी जो जो बोलना चाहिए कि हमारा जो संस्कार है पुरातन काल से, उसमें हत्या को हमेशा ही गलत माना गया। और ये विश्व में भी अब एक सोच आ रही है कि क्यों ना एक ऐसा विश्व पैदा हो जिसके अंदर हत्या से बड़ा और कोई पाप ना हो, और इसको सारे राष्ट्र सहमत होकर जिसके ऊपर साइन कर सके। तो अभी मैं सोच ही रहा था जब मैथिली जी आपसे बात कर रहे थे, एक सोच है, और वो सोच है कि डिपार्टमेंट ऑफ पीस,
कनाडा गवर्नमेंट ने एक अपने यहाँ एक लेजिस्लेशन लेके आए और उसको पास भी कर लिया हाँ और उसको प्राइवेट मेंबर के बिल की तरह लाए थे अपनी संसद में, और उसी तरह के एक बिल हम सोचते हैं कि भारत में भी हम लोग को जरूरत है ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पीस, जिससे कि सबसे बड़ी बात है अगर विकास होना है तो सबसे बड़ी बात है हिंसा मुक्त भारत, और अगर हिंसा मुक्त भारत होगा, क्राइम फ्री भारत, तो सब लोगों का मन लगेगा विकास में, सब लोगों का मन लगेगा राष्ट्र आगे बढ़े, और अगर राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी संभव मैं तो बोलूंगा जो कहा जाता है ना संभवामी युगे युगे, तो रामराज्य की जो परिकल्पना थी वो बिल्कुल संभव है अपने, और वो रामराज्य आ सकता है अपने भारतवर्ष में, और शायद भारतवर्ष पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकता है अगर हत्या मुक्त हिंसा मुक्त भारत अगर हम लोग पैदा कर सके, और अगर वहीं से क्राइम फ्री भारत की शुरुआत हुई थी, और मैथिली जी को ये लगा कि शायद एनआरआईज जो हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन जो विदेशों में, उनका भी मैं एक तरह का नेतृत्व प्रदान करूं और उनको भी इस एक बहुत अच्छी सोच के साथ जोड़ूं, जो बोलते हैं हम बोलेंगे इसको एक परिवर्तन परिवर्तन के साथ जोड़ूं या एक मूवमेंट, तो मूवमेंट के साथ जोड़ूं। तो हम लोगों ने कोशिश तो की है, लेकिन जैसे कोई भी इस तरह की परिकल्पना हो, कोई भी रास्ता हो, उसमें काफी कठिनाइयां तो होती हैं और लोगों की सोच भी अलग होती, तो सबको लाना साथ में, सबको लेके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। तो एक तो ये सेंटर फॉर ग्लोबल नॉन किलिंग जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, हवाई में बेस्ड है, और दूसरा है एक और ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल नॉन किलिंग, सेंटर फॉर ग्लोबल नॉन किलिंग, और दूसरा जो है वो है ग्लोबल नॉलेज अलायंस, तो उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ मेलबर्न में। तो मेरा ये सोचना था कि इतना ज्ञान है जो अभी आप बात कर रहे थे, हमारे आयुष मंत्रालय है, यहाँ पर आयुष वाली बात इन लोगों की सोच के परे इसलिए परे है क्योंकि एक कार्टेशियन एक व्यू है मेडिसिन में, जिसमें ये है कि हर चीज का जो हल है वो है कि आप उसको काट के उसको इस तरह से उसका इलाज हो सकता है, जैसे कि हृदय, अब उसमें ये कि अगर आपके धमनी के अंदर कुछ रुकावट है तो उसको आप है ना ऑपरेट करके साफ करें, ये उसकी कोई सोच नहीं है जिसकी जिसमें आप है ना एक नेचुरल वे में, जिसे हम बोलेंगे नेचर बोले या प्रकृतिक, हाँ प्रकृतिक, तो हमारे आयुर्वेद की जो परंपरा है उसको हम लोग पूरे विश्व के लिए आगे ले जा सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे हमारे पौधे हैं फल हैं जो कि विश्व में मालूम ही नहीं है, और ये इनसे उपचार किया जा सकता है हर तरह से। तो वो आपने भी ये बात कही थी थोड़ी देर पहले, मैं जब सुन रहा था आपकी बात, कि ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को आगे बढ़ना होगा विश्व में अपनी बात रखने के लिए। और ऐसा आपका आपका क्या उद्योग है विकास जी? मंडीदीप में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हूँ। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बहुत अच्छा। हाँ, तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोच इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, अब तो आप जानते हैं आगे आने वाले मैं एक फ्यूचरिस्ट भी हूँ इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये माना गया है 2030 तक तो आपके नीति आयोग ने ही मान लिया है कि अपने देश में ये जो गाड़ियां हैं जो कि पेट्रो हाइड्रोकार्बन्स पर निर्भर करती हैं ये समाप्त की जाएगी, तो ये बड़ा बोल्ड बहुत बोल्ड है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो भारत में मैं इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि हमने प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर पूरा बैन लगा दिया, जो कि अभी हम जापान में कुछ दिनों पहले गए थे तो वहां पर उनको बड़ा आश्चर्य था, इतने विकसित राष्ट्र हैं जैसे कि जापान या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ पर ये लोग अभी पूरी तरह से बैन नहीं कर पाए प्लास्टिक की थैली, जो कि भारत ने कर दिया। तो बहुत सारी चीजें संभव है अब इसके अलावा, और नई चीजें आ रही है, अपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करिए, हाइड्रोजन फ्यूल, और उसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, आगे वाली जो गाड़ियां हैं वो तो सिर्फ पानी पर चलेंगी और उनसे जो निकलेगी वो ऑक्सीजन,
तो ये सब कुछ संभव है टेक्नोलॉजी से, तो नई तकनीकी अपनाना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए भारत में। ठीक है, भारत एक महान राष्ट्र था, हमारी एक बहुत ही विशेष परंपरा रही है, बट हमारा ये सोचना है कि अगर हम उन्हीं में उलझे रह गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसके लिए हमको अगर नई तकनीकी नई सोच को अपनाना ही पड़ेगा, और इन लोगों के भी आगे बढ़ने की क्षमता है हमारे राष्ट्र में। तो आपने देखा होगा जो भारतीय विदेश जाते हैं, हर साल 5 लाख हमारे युवा विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो जो है वो वहां पर जाके उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ले लें या गूगल ले लें, अमेजन ले लें, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सब में जुड़े हुए हैं, और वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं अपना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो अपने देश में ही ये सब काम करें? ये सब हो सकता है अगर हम लोग वहां पर एक ऐसा वातावरण निर्मित करें जिसमें हमारे युवा आगे बढ़ सकें और पूरे देश को एक नया रास्ता दिखाएं। अब ये जो बात कर रहा हूं मैं, इसके साथ ही साथ चूंकि मैंने बात करी थी फ्यूचरिज्म की, तो हाइड्रोजन फ्यूल की बात थी, आप चूंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हैं तो मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आजकल ड्रोन्स का जो नया युग आ गया है, और ड्रोन से हर देश में दवाइयां भेजी जा रही हैं। अब जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में आजकल लॉकडाउन है, तो ड्रोन से आप है ना खाना पहुंचा सकते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर है ना किसी की पहुंच नहीं है, और मिनटों में आप उपचार पहुंचा सकते हैं, दवाइयां पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ड्रोन से हो रही हैं, और आपको शायद मालूम होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR बड़ा अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को, जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ हम चर्चा में अभी फिर से हमारी चर्चा होगी थोड़ी देर में, तो उन लोगों के साथ उनको उन्होंने परमिशन दी हुई है, एक लेटर दिया हुआ है कि आप नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज में मेडिसिन को सप्लाई करें थ्रू ड्रोन्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत में। तो जो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एक चर्चा ये हो रही है कि आगे पढ़ाई जो होती है तो उसके अंदर जैसे BMW में तो गया हूँ, मैंने BMW का प्लांट देखा है वहां पर, ऑडी का प्लांट देखा है, पूरा रोबोटाइज। तो अब सवाल ये हो रही थी कि हमारे जो छात्र हैं, जो कि बेचारे जो मेकाट्रॉनिक्स कर रहे हैं, वो जब तक कि मशीन के जब असेंबली लाइन में जब तक खुद नहीं अपने हैंड्स ऑन ना हो तब तक उनको कैसे ट्रेनिंग मिले। लेकिन अब एक ऐसी नई एक पद्धति आ गई है जिसको आपने सुना होगा, होलोग्राम 3D टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड लर्निंग, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। तो उसके थ्रू वहां का जो प्लांट है वो देव एग्रीड, वो बोलते हैं कि हम फ्री में देने को तैयार हैं अगर आपके बच्चे इसके ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहे। तो ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जी जी तो अच्छा, अब आप जानते हैं जैसे कि अभी बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके आगे भी बढ़ के ब्रेन मैपिंग, डीप लर्निंग, ये नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। रोबोटिक्स के क्षेत्र में हम लोग बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो हम एक यहाँ पर एक और कंपनी है जो कि मैं भी संस्थापक रहा हूँ, उसका नाम है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कमर्शियलाइजेशन। तो नई नई जो अपॉर्चुनिटीज है उनको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए, तो आज मेरी बात हो रही थी यहाँ पर, मैंने आपसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी, तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसा है तो वही फ्यूल होगा, पानी होगा आगे का फ्यूल, जिससे सिर्फ हवा निकलेगी और हाइड्रोजन की उत्पत्ति होगी, और जो वेस्ट और बाय प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ना डाइऑक्साइड होगी, ना सल्फर डाइऑक्साइड होगी, इट विल ओनली बी वाटर, पानी ही निकलेगा। तो ये जो एक हम लोग ऐसे बदलाव की तरफ है, अगर आप आज सोचें, आज से 100 वर्ष पूर्व मान लीजिए 1921 में कोई व्यक्ति होता, उसको तो बड़ा अजीब लगता, वो सोचता ये कोई जादूगर लोग हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में देख रहे हैं रियल टाइम में, है कि नहीं? 100 साल पहले ये था, और 100 साल में इतना बदलाव आ गया, अगले 100 साल में क्या होगा? अगर आप सोचें 2021 चल रहा है, 3021 में अगर कोई व्यक्ति हो, हम लोग तो नहीं होंगे, लेकिन 100 साल नहीं, केवल 25-30 साल बाद देखेंगे जी, पूरी तरह से बदल चुका होगा, पूरा बदल चुका है। हम देखते हैं 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था,
30 साल पहले क्या था, सब बदल गया। शायद 30 या 40 साल पहले हम सोचते ही नहीं थे कि हम ना फोन पर इस तरह से बात कर पाएंगे जैसे आज कर रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। जी फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, इसलिए मैं पूरी तरह से मैथिली जी की बातों से सहमत हूँ। एक बहुत बड़ा बदलाव होगा देश में, और ऐसे व्यक्ति चाहिए जैसे मैथिली जी हैं, जैसे विकास जी आप हैं, जो कि देश में एक बदलाव की लहर पैदा कर सकेंगे। तो मैं सोचता हूँ मैंने अपनी बात बहुत ज्यादा बोल दी है, ऐसा ना हो कि मैं ही बोलता था। नहीं नहीं जी सर, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मिला, मतलब ज्ञान बढ़ा उससे जी। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ हम आपको आपको बढ़ावा दे सके, आपकी कोई मदद कर सके यहाँ से, तो आप कभी भी आपके जो सब्जेक्ट है ना उनके लिए मेरे पास कुछ है, मैं टाइम लेके कभी बताऊंगा, जो आपके वो नॉन किलिंग और ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो उन सब चीजों के लिए है मेरे पास कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया। वो एक तो लंबा डिस्कशन थोड़ा हो जाएगा, की बात हो रही थी। जी जी, क्राइम फ्री भारत या हिंसा मुक्त भारत अगर लेके चले हैं, एक दिल्ली में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसका नाम ही था, हम लोगों ने रखा था हिंसा मुक्त भारत, आज से नहीं, आज से 10 साल पहले। और जब मैं जो मैथिली जी जो कर रहे हैं, ये कोई बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बड़ा अजीब सा है, होगा नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और इतनी एनर्जी के साथ और इसको सोच पाना और क्रिएट करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। और उनका मैं जलवा जो देख रहा था, वो बोलते चले जा रहे थे लगातार, क्योंकि देखिए और ये एक चीज बताए मैथिली जी, ये जो बात कर रहे थे ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने आप में पूरा विश्वास हो। बिल्कुल, और बदलाव भी वही लगता है जिसको पूरा विश्वास हो अपने आप। जी जी, तो मैं ये बोल रहा था आपसे छोटी सी बात और। हाँ मैथिली जी, डिपार्टमेंट ऑफ पीस इसका एक लेजिस्लेशन है, वहां पर मैं किसी से बोलूंगा, आपको भेज देंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत की संसद में डिपार्टमेंट ऑफ पीस का एक चाहे प्राइवेट मेंबर बिल हो, लेकिन सारी पार्टीज बाय पार्टीजन वोट हो और सब लोग इससे सहमत हों। कनाडा में हम लोगों ने किया था इंट्रोड्यूस, सेंटर फॉर ग्लोबल नॉन किलिंग की तरफ से, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया कि एक एक मंत्रालय होना चाहिए, एक विभाग होना चाहिए जो कि सिर्फ पीस उसके ऊपर चर्चा करे, उसके ऊपर बात करे, क्योंकि पीस से ही सारी चीजें जुड़ी है। अगर देश में शांति होगी तो देश में विकास होगा, सीधी सी बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अनूप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बताएं। कि पीस से पहले जो है पेट का भरना होना बहुत जरूरी है। ये कहा गया है कि भूखे भजन न होए गोपाला। आज हमारी जितनी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारा पेट खाली है, इसलिए नेता हमारा शोषण कर पा रहे हैं, वो हमें जाति धर्म और फिर बहुत सारी चीजों में बांट पा रहे हैं, वो जो है ना हमारे वोट को खरीद पा रहे हैं, दारू से, साड़ी से, किसी भी तरीके से खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि हमें हेल्थ वेल्थ सब जो है ना इनोवेशंस R&D एक साथ जमीन पे उतारना होगा विद फुल इकोसिस्टम, जहां हमारी किसी के ऊपर डिपेंडेंस ही नहीं होगी। आप गाड़ी में हैं, आप मोबाइल फोन तो नहीं यूज कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, लेकिन आपने सही देखा है, मैं गाड़ी में हूँ। हाँ, मेरे को इस बात की चिंता होगी थोड़ी, लेकिन दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, आपके बात बिल्कुल हम सहमत हैं, लेकिन मैं शांति की जब बात कर रहा हूँ, शांति तो एक लक्ष्य है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। और वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जहाँ पर जाति धर्म भेद इसकी भेद, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए बहुत सारी चीज जरूरी है, और उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पीस जरूरी है, जो कि इस पर चर्चा करे, बात करे, तभी कोई बदलाव आएगा देश में। और जो एक बात है कि हमारे यहाँ एक कानून होना चाहिए कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपका जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो ऐसी नहीं हो सकती जो कि अनपढ़ हो, ऐसा मैं बिल्कुल इस सोच से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो लोग अनपढ़ होते हैं वो भी शिक्षित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के जमाने में वो जमाना अलग था, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था वो जमाना अलग था, तब सिर्फ 16% देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, शिक्षित। आज की तारीख में वो चीज बहुत गलत है ये सोच,
और दूसरा अपराधी, जो लोग अपराधी रह चुके हैं या जिनके ऊपर कोई केस चला हो, उनको बिल्कुल ही ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग उन्हीं लोगों को पकड़ के अपना नेता बनाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बेचारे आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए नहीं आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनको उन गुंडों से, उन नेताओं से डर लगता है। तो देश में एक बबोक्रेसी वाली एक जो एक परंपरा सी चल रही है राजनीति के क्षेत्र में, वो खत्म होनी चाहिए। ओलिगार्की, ओलिगोक्रेसी, मोबोक्रेसी, ये बंद सही माने जन्म और एक साधारण व्यक्ति भी लड़े और आगे बढ़े। मैं और देशों का इसमें वो नहीं दूंगा, मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया में कि यहाँ जो भी व्यक्ति है, अभी आपको मालूम है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के इन्हें बोलते हैं प्रीमियर, उनको आज ही की न्यूज है कल आज सुबह की कि उनके ऊपर पुलिस ने $400 का फाइन कर दिया क्योंकि वो अपने मुंह पर मास्क लगाना भूल गए थे 2 मिनट के लिए, यहीं की पुलिस ने। सब लोग हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में और अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स में। तो ये सही मायने में ये प्रजातंत्र है कि आप अपने मुख्यमंत्री के ऊपर भी पुलिस फाइन लगा दे, वहां नहीं हो सकता ये। जब तक इस तरह की एक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी हमारे यहाँ की सेवाओं को, चाहे वो पुलिस सेवा ही क्यों ना हो, तब तक देश में सही मायने में प्रजातंत्र नहीं आ सकता, स्थापित ही नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ जो जो वीआईपी कल्चर है और जो काले अंग्रेज हैं, हम है ना, हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो पुलिस सेवा हो, चाहे इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, मैं उन सबको काले अंग्रेज बोलता हूँ। तो जब तक ये समाप्त ना हो जाए, ये एक सोच ही ना बदल जाए, तो क्रांतिकारी है सोच। लेकिन हमारे हैं जो हमारे साथ साथ में खड़े हैं, वो उनको भी सही लगती है बात, शायद मैथिली जी भी इस बात से सहमत है। तो मेरा ये कहना है कि ये एक सोच लेके आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और राजनीति से इस तरह के दबाव को, चुनाव को निष्पक्ष बनाना होगा। भारत एक बहुत ही एक तरह से देखा जाए कॉम्प्लेक्स राष्ट्र है, बड़ा विकेट राष्ट्र है, वहाँ लोगों को भड़काना बहुत आसान है। मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ कि कितनी आसानी से ये सब हो सकता है, और स्पेशली अगर ना आपके उधर पाकिस्तान हो, उधर चाइना हो, और भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि देश का विकास संभव हो, तो जो बोलते हैं एक तरह का साइलेंट वॉरफेयर, आपने सुना होगा साइलेंट वॉरफेयर चल रहा है, क्योंकि आप है ना पत्रकारों को कुछ पैसा दें और वो वही लेख छाप पेंगे, उसी तरह की बात करेंगे जैसे आप चाहते हैं। तो ये जो है ना, मतलब बोलना चाहिए मिसगाइडेंस, या जो मैं देख रहा हूँ भारतीय टीवी चैनल्स में, मैंने एक चीज और देखी थी, मैं इनकी तारीफ करूंगा, मैथिली जी ने इस संबंध में कुछ बात भी कही है, हमारी फिल्मों में पता नहीं क्या हो गया है, सेंसर बोर्ड गायब ही हो गया लगता है, क्योंकि गंदी गालियां, गंदे से गंदे सीन्स, और अच्छे बड़े बड़े जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, एक जमाना था मैं कभी कभी पिक्चर देखना चाहता हूँ, मैं 16 से देखना चाहता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती आजकल की मूवी, क्योंकि इनके अंदर एक सेंसेशनलाइज करने की एक जो परंपरा शुरू हो गई, जिसमें हत्या दिखाना, गंदगी दिखाना, मारपीट दिखाना, जातिवाद दिखाना, चाहे वो धर्म के ऊपर हो, चाहे जाति के ऊपर हो, हर तरह से जो अलगाव है वो गलत है अपने राष्ट्र, ये राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है। शीत गृह युद्ध हम बोल सकते हैं जो हर वक्त चलता है भारत में, बिल्कुल मैं शब्द ढूंढ रहा था अपने, तो ये भारत में हर वक्त चलता रहता है। जी जी, मैंने बहुत साल पहले डिफेंस स्टाफ फोर्स किया था इंडियन एयरफोर्स के साथ, 30 साल पहले, तो वो एक साइलेंट वॉरफेयर जो भविष्य का वॉरफेयर होगा, भविष्य की जो लड़ाई होगी, ये बात थी कि ये रणभूमि पे नहीं होगी, आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, पीठ पीछे से लड़ाई होगी, जो कश्मीर में हो रहा है, जो बाकी जगह पे देश में हो रहा है, और जो हम लोग अखबारों में जो देख रहे हैं, जो टेलीविजन चैनल्स में देख रहे हैं, ये बिल्कुल शीत जो बोलते हैं शीतकाल गृह युद्ध ये चल रहा है, अनुप जी मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहूंगा। आप लोग आइडियलिज्म बात कर रहे हैं, वो आइडियलिज्म कौन लाए?
जी जी देखिए वो हम ही लेके आए लोग कि इस समय 2019 का पार्लियामेंट है इसमें जो एमपी बने हैं इसमें से 42% लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 29% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध हत्या मर्डर रेप जैसे सघन जघन्य अपराध हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपराधियों को फेवर कर रही हैं। ये ग्राफ 42% पे जो है ना धीरे धीरे पहुंचा है, पहले ये जीरो था और ये 42% पे पहुंच गया। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो अगले 2024 में जो क्रिमिनल्स की संख्या है वो 50% से ज्यादा होगी और फिर आपकी ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये क्रिमिनोक्रेसी हो जाएगी। बैठ लीजिए, मैं थोड़ा एक मिनट लूंगा। आपको मालूम है दुनिया में इस समय सबसे बड़ा जोक क्या है, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों से यहाँ पर हूँ, ये है कि मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड वो बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कितनी शर्मनाक बात, विकास जी जरूर आपको हंसना चाहिए इस बात पर। कितनी शर्मनाक बात है कि दुनिया का सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सबसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मुझे कितनी शर्म आती होगी इस बात को सुनकर। बहुत शर्म आती है सर, बहुत बुरा लगता है। देखिए ये आपको बुरा लग रहा है लेकिन इन मोटी खाल के लोगों को तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। उन्हें तो लोक लज्जा खत्म हो गई है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, इनके इन प्रकार कैसे भी किसी को भी लेके सत्ता बन जाए इसके बियॉन्ड तो सोच ही नहीं रह गई है जी। जब इसके बियॉन्ड सोच नहीं है तो हम जो है बातों से काम नहीं चलेगा, हमें मॉडल्स लाना पड़ेंगे। That's why CFB is bringing one CFB expenditure free election model. तो इसीलिए मैथिली जी मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ पीस का जो लेजिस्लेशन है वो आपको भिजवाऊंगा। हम लोग पहली कोशिश तो ये करें कि उसको अपनी संसद में पास कराएं, क्योंकि वो जो है लेजिस्लेशन वो एक ऐसा, उसमें पूरी सोच है, समग्र सोच है, उसमें और बदलाव भी ला सकते हैं आप और कुछ नई चीजें भी डाल सकते हैं, लेकिन समग्र सोच यही है जो आप बोल रहे ना कि वी शुड टॉक ऑफ एक्शन। बातें तो बहुत होती है अपने, लेकिन अपने यहाँ एक्शन नहीं होता, तो एक्शन के ऊपर देखिए इसमें देखिए हम इसमें वो एक्शन करें जो हमारे कंट्रोल में, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो एक्शन चाह रहे हैं वो एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं, ये हमारा सोचना है कि अगर अपने यहाँ एक आंदोलन का रूप अगर हिंसा मुक्त भारत ले ले, एक ऐसा प्रयोग है, एक ऐसा मूवमेंट शुरू हो जाए तो बिल्कुल बदलाव आए, सब कुछ अपने हाथ। आज की तारीख में मैं ये बोल सकता हूँ आप सरकार में नहीं, मैं सरकार में नहीं, तो हम लोग बाहर निकल के वो बात कर सकते हैं, वो बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सरकार के अंदर से नहीं कर पाते। बिल्कुल जी, हमें एक चीज ये समझना पड़ेगी कि ये सब चीजों के लिए हमें तो रिपोर्ट कह रही है नियम बनाइए। आपकी आवाज बहुत कट रही है जी। अच्छा एक मिनट, अभी आप बात अभी जो है ना आप वार्तालाप को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो विकास जी, जैसे कि आपके जैसे अगर कुछ और मैं बोलूंगा ऐसा नेतृत्वशील व्यक्ति हो जो कि एक नई लीडरशिप दे सके इस विषय में, पूरा भारत आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच या मैथिली जी की सोच या हमारी, हम लोगों की सोच रखने वाले बहुत हैं हमारे यहाँ व्यक्तित्व। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि जो इन्होंने बोला कि वो लोग अपना नेतृत्व देने लगते हैं। अच्छा देखिए, बहुत बड़ी सी बात है, मैंने ये बात और भी जगह कही है, अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, ऐसे ही अपने सारे राष्ट्रों में, विकसित राष्ट्रों में देखा है, जब प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री एक बार आ जाता है तो पूरा राष्ट्र उसके पीछे हो जाता है। हमारे हमने एक अजीब सी परंपरा देखी कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और उनको रोकने की हर संभव प्रयास। अरे उनको 5-6 साल तो काम करने दो, उसके बाद अपनी बात करना, अगर आगे आते हो तो तुम करो, लेकिन 5-6 साल भी काम नहीं करने दोगे तो हम तो समझते हैं कि तो अपने देश हित तो हुए नहीं। तो देश का सबसे बड़ा अनहित इसी में, आप देखिए जितने भी कोशिशें हुई
चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे किसान के ऊपर बात हो, और इतना ज्यादा गलत प्रचार या बोले दुष्प्रचार कुप्रचार फैलाया जा रहा है विदेश में, तो सब लोग ये समझते हैं कि सब गलत हो रहा है वहाँ, जब तक कोई कोई हमारे जैसा व्यक्ति ना हो जो उनको समझाए ना। इवन भारतीय नहीं समझ पा रहे हैं ये बात, मतलब ये कि आपका जो मीडिया मीडिया है भारत का, वो खुद ही इस प्रचार प्रसार में लगा हुआ है कि सब गलत हो रहा है वहाँ। हाँ, वो ड्रिवन बाय कम्युनिस्ट है बेसिकली, अभी उत्तर नेशनल तो है। हाँ, वो तो है। अच्छा, फिर जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ लखीमपुर, उसकी बात कर रही है, और जो कश्मीर में जो मारे जा रहे हैं पंडित, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इतनी अजीब सी बात है। मतलब ये कि भारत सरकार तो फेल है, साथ ही साथ हमारा मीडिया भी फेल है जी भारत का। जब भारत का मीडिया ही गलत बात करेगा तो विदेश में कैसे कोई बात को अपनी समझेगा देश की। बिल्कुल ठीक ठीक जी। हाँ, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि सवाल जो है आज का नहीं है। सवाल ये है कि आपको जो कहा गया है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इज ए नथिंग लाइक इंडिपेंडेंस, ना आपके नियम बदले, ना आपके कानून बदले, ना आपकी चीजें बदली, इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। देखिए अभी अभी बहुत महत्वपूर्ण बात में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि अभी अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया, 370 आर्टिकल को हटा दिया, राइट। और उससे बड़ा काम, उससे अच्छा और बड़ा काम किया कि उन्होंने उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्योंकि यदि वो स्टेट बनी रहती तो 370 के हटने के बावजूद भी जो नेक्सस ऑफ फोर्सेस हैं वो उसी तरीके से काम करते रहते, तो 370 से काम नहीं बनने वाला था। 35A तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली लाया गया था, उसे तो संविधान में पहुंचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो वो पार्लियामेंट के पटल पे आया, बिना पार्लियामेंट के पटल पे आए, बिना संविधान में संशोधन हुए 35A पैदा कैसे हो गया, नंबर वन। नंबर टू, उसे 1944 से जब ये देश 47 में लागू जो ना आजाद हुआ, तो 35A 1944 से कैसे लागू कर दिया गया, मतलब कितने बदमाश लोग थे कि पार्टीशन में जो लोग पाकिस्तान से कश्मीर में पहुंचे हैं उन्हें नागरिकता ना मिले, इसलिए 35A 1944 से लगाया गया जी। और हम लोगों को जो है इससे अज्ञान रखा गया, हम सब लोग जो कह रहे हैं कि हम ये विद्वान हैं, हम सब लोग गधे हैं, हम सभी लोग गधे हैं, और हमें ना अपना इतिहास मालूम है और ना हमें रीजंस मालूम है। देश के साथ एक के साथ एक के बाद एक जो है ना विश्वासघात हुए हैं। आप ये बताइए, इस देश का जो है राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जी कैसे हो सकता है, जनगण मन अधिनायक जी भारत भाग्य विधाता, ये भारत का भाग्य विधाता कौन है, जॉर्ज पंचम। जो जॉर्ज पंचम शेयर किया था आपसे, जो जॉर्ज ओरिजिनल शेयर किया था, आपने सुना उसको? अभी नहीं सुना है। मेरा ये कहने का मतलब है, उस जिसको तुम ओरिजिनल कह रहे हैं वो राष्ट्रगान तो नहीं है ना, जब तक उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रगान तो हमारा यही कहलाएगा ना, आपका ओरिजिनल काम नहीं का है। है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, नहीं वो आई, लेकिन वो जो है जॉर्ज पंचम की स्तुति का गान नहीं, हमें उसे राष्ट्रगान बनाने के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री को जो है ना उसे पार्लियामेंट में लाके और उसको राष्ट्रगान का स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा जी। तो हमारे उसमें जो है चाटुकारिता भरी गई है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जब महात्मा जब जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था 15 में से, 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे और 2 वोट कृपलानी को मिले थे, तो 0 वोट पाने वाले को देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? यदि आप 0 वोट पाने वाले को, भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो उसकी जड़ में ही आपकी सभी समस्याएं जो है ना गिरी हुई है, क्योंकि बौने चरित्र का व्यक्ति अपनी बौनेपन को छिपाने के लिए सभी रणनीति चलेगा। यही कारण है कि श्यामचरण जो है ना मुखर्जी को जो है मर्डर कर दिया गया, उसकी जांच भी नहीं होने दी गई। आप ये बताइए, आपके जो है लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मारे गए और उनका मर्डर हुआ
वहां पे यूएसएसआर की सरकार ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, आपको तो इस तथ्य से भी वाकिफ नहीं किया गया, तो उसका मर्डर किसने कराया? जी मिस्टर शास्त्री की जो है ना पत्नी ने रिक्वेस्ट किया कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम तो नहीं किया। मैथिली जी, मैं आपकी पूरी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये सब तो व्हाट्सएप और ये सारी बातें जो हैं, चाहे जनगणमन की बात हो तो पूरी सहमत हूँ। लेकिन अब देखिए, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सन 2000 में अटल जी ने, हम उनके घर गए थे और बात ये हुई थी, उन्होंने कहा एक युवा संसद बुलाओ, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में एक युवा संसद जिसमें हमारे देश के जो युवा खिलाड़ी हैं, युवा पुलिस अधिकारी हैं, युवा उस जमाने में सन 2000 में युवा आईएएस अधिकारी हैं, युवा सांसद हैं, युवा हर क्षेत्र में अर्जुन अवार्डीज हैं, तो उन सबको बुला के एक बहुत बड़ी संसद करी और 21 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि, और वो बाद में गायब हो गया, और उसमें बहुत सारे पहलू थे। एक तो आर्टिकल 370, मेरा ये मानना था तब से और आज तक, और मैंने इसके ऊपर बहुत सारी गोष्ठियां भी की हैं कि आर्टिकल 370 के लिए पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, और ये बात कोई समझता ही नहीं थी। आखिर में वही चीज हुई कि आर्टिकल 370 के अलावा 35A, आपने बिल्कुल ठीक बात कही अपनी। तीसरी चीज हम बोलना चाह रहे हैं और वो बहुत जरूरी है, जो कि आज तक नहीं हो पाया है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जहां तक ये इसलिए मैं कंसर्न हूं क्योंकि 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948, जिसमें हम लोगों ने हस्ताक्षर किए और उसमें ये माना गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान अधिकार महिलाओं के लिए होने चाहिए। ये किसी भी धर्म के खिलाफ वाली बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई धर्म ये बोले कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा होता है, या हिंदू बोलने वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरे राष्ट्र के लिए और हर व्यक्ति के लिए, यहाँ पर ना जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है जो एक ही कोड है जो कि पूरे राष्ट्र के लिए, हर विकसित राष्ट्र में ये हमारे, अभी तो चले 370 की मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, हो चुका, और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, उससे अच्छी कोई बात, और उसके लिए बड़ा मैं तो बोलता हूँ कि ये मोदी ने किया और कोई शायद ना कर पाता। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव जरूरी हैं, उनमें है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल। आपकी पॉपुलेशन जो है, जो अपना जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, राष्ट्र की, वो है इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगी हुई, वो बड़ी समस्या वाली बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलेशन के ऊपर बात नहीं करती है। बात को गहराई से नहीं देखेंगे तो ये पॉपुलेशन जो है ना अपने आप एक इंटरेस्ट है। देखिए जिस कश्मीर में, बिल्कुल कश्मीर में जी, मैंने इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं की क्योंकि ये तो समझ में आता है ना। और देखिए आप ये बताइए, वो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे सेटल कराए गए जी? आज की भाजपा सरकार ने, आप मुझे ये बताइए कि एक डोमिसाइल पॉलिसी लाई है जिसमें वहां 15 साल तक रहना जरूरी है या 7 साल की वहाँ एजुकेशन चाहिए, तब आप वहाँ डोमिसाइल होंगे, और सभी जॉब जो है इसी को मिलेंगे जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। सर उसका मेरा एग्जाम का टाइम हो गया, मैं जस्ट मैंने मुझे भी अब क्या, मुझे भी अभी निकालना होगा। सरकार ने बैक एंड से दूसरा 370 ला दिया है क्या जी? मतलब ये बात तो विचार करना पड़ेगी कि आपने आर्टिकल 370 हटा के एक ऐसी डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई है जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्र में जो है एकीकरण जो है वो फिर से बाधित हो गया। यदि हम रिजर्वेशन पूरे इंडिया के सभी राज्यों में दें तो दे विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। वो एग्जाम का टाइम हो गया, मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ? मुझे भी 5 मिनट में निकलना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग फिर से आपसे मिलते हैं विकास जी और मैथिली जी के साथ और मिलके कुछ बड़ा काम करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनसे मेरा ईमेल ले लीजिएगा मैथिली जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।
तो मैथिली जी, मैं आपसे मैं भी आगे लूंगा क्योंकि 10 बजे यहाँ पर रात के क्या क्या पहले दो तीन मुद्दे की बात कर लें, 5 मिनट में अपने सेशन को खत्म। हाँ, 5 मिनट जी, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि हमारी सोच कहाँ पे जा रही है जी। लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से बहुत अपेक्षाएं हैं, राइट। लेकिन यदि आप डोमिसाइल पॉलिसी को देखते हैं तो बैकडोर से ये डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाई गई, जिसमें क्या जो अभी कश्मीरी पंडित, ये बताइए क्या कश्मीरी पंडितों का कोई रिहैबिलिटेशन उसमें संभव हो पाएगा। हम इसकी जगह जो रोशनी के नाम पे इन लोगों ने पंडितों की जगह पे कब्जा कर लिया है, यदि हम पंडितों को वहां ना भी ले जाना चाहें तो उसको असेस करके उतना कंपनसेशन हम पंडितों को दे दें, पंडितों के विरुद्ध पंडितों के। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आ रहा, एक अच्छा कदम लेके एक कदम आगे जाता है, दो कदम पीछे हो जाते हैं, यही बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई। अपने ये बात हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जो नई डोमिसाइल पॉलिसी, इट इज इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 370। तो ये जो अजीब सी बातें हैं, इसके लिए हमको एक मुहिम चलानी पड़ेगी और ऐसी एक साफ सुथरी सोच लेके एक नया नेतृत्व देश में आना पड़ेगा जिसमें पूरा पूरा राष्ट्र। सीएमपी की सोच है कि हम अपॉलिटिकल रहेंगे, मजबूरी में पॉलिटिकल होंगे, तो हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स को जो है बैक एंड से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन मुद्दों पर अपन बात कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य ध्येय होना चाहिए कि हम जो है भारत के हर व्यक्ति को हेल्दी वेल्दी बना दें, हम इस पृथ्वी को जो ऑक्सीजन की कमी है, पानी की कमी है, उससे ऊपर उठा दें। अटली जी, आपसे ही पूछना चाह रहे थे, क्या आपसे ये रमेश खोसला आपसे चर्चा कर रहे हैं ना? रमेश खोसला नहीं, मुझसे नहीं कर चर्चा कर रहे। अच्छा, मैंने उनका आपका नंबर भी दिया था तो वो अभी, अच्छा तो मैं उनसे बोलूंगा फिर से जी। आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए तो हम लोग है ना ऐसे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए डेलिबरेशन से जो थिंक प्रोसेस है वो रिकॉर्ड पे आती है जी, और वो बहुत जरूरी है कि देखिए बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, हम उनके जीवन का जो तपस्या है उसको प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्ट करके कल से लोगों को लाभ दें। मेरा ये मानना है कि हमें ज्ञान नहीं बांटना है, हमें जो है अवेयरनेस नहीं बांटना है, हमें प्रोडक्ट और सर्विस कन्वर्ट करके उन्हें हेल्दी और वेल्दी बनाना है। हमारे भारत में कोई भी जो ना भूखा पेट नहीं होना चाहिए, और कोई भी जो है ना सब्सिडीज की तरफ ना देखे, कोई भी व्यक्ति जो है इनकी फ्रीवी की तरफ ना देखे, क्योंकि हमने अपने सीएफबी मॉडल में कहा है कि जैसे ही आप सब्सिडी लेंगे हम आपके अकाउंट से उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ही हटा देंगे, तो आपको जो ना सब्सिडी लेने का फायदा ही खत्म हो जाएगा, और गवर्नमेंट को सब्सिडी की जो मनी है दैट विल बी अवेलेबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर डिफेंस, फॉर अदर पर्पजेज, तो हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर पाएंगे जी। आज जो अधिकांश सरकारें जो है वो फ्रीवी के आधार पे आ रही है, इनका ना कोई चरित्र है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई सोच है। आज जो है ना वो कांग्रेस में है, कल भाजपा में हो जाते हैं, कल कम्युनिस्ट पार्टी में चले जाते हैं, कहीं सपा में चले जाते हैं, कहीं बसपा में चले जाते हैं, तो भाई ये ओछे चरित्र के क्रिमिनल लोग इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन हमारी सोच ये होना चाहिए कि इनको जो करना है करने दें, हम पहले अपने भूखे का पेट भरें, हम पहले अपने अपनी जमीन से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को गायब कर दें, फिर हम जो है इसको दूध का रिच कर दें और उसको हनी रिच कर दें, उसको वो सब चीजें मुहैया करा दें जो लाइफ की लॉन्गिटिविटी के लिए आवश्यक है। तो हम बीमारी के इलाज की बात ना करें, हम हेल्दी लॉन्ग लिविंग की बात करें, और बैकएंड में ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करें कि गांव के व्यक्ति को कहीं भटकना ना पड़े, यदि उसको ऑपरेशन की जरूरत है तो सीएफबी की जो है एम्बुलेंस उसे लेके जाए, और माननीय प्रधानमंत्री का जो आयुष मॉडल है उसका यूज करते हुए कैश फ्री उनका ऑपरेशन भी करा के उनके घर भेज दिया जाए। ऐसा यदि हम एंड टू एंड समाधान देंगे तो जो है इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। बिल्कुल, तो ये जो एक सोच है हम लोगों ने इसको बढ़ा सकते हैं और एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। तो मैं तीन तरह की सोच सोच रहा था। मेरा इसमें ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में
हमारे बहुत सारे एनआरआई मित्र जो है, बिल्कुल आ रहा था टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग है ना, एक तो एक जो अपने बात जो कही है कि हम एक यहाँ से एनआरआई जो है उनका एक समूह, उनका ज्ञान, उनका चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डीप लर्निंग हो, चाहे ब्रेन मैपिंग हो, रोबोटिक्स हो, ये जो इतने सारे चेंजेस जो आ रहे हैं ना, तो हम लोग बहुत ना बहुत कुछ ला सकते हैं अपने देश में। तो एक तो वो, दूसरा लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पीस का जो लेजिस्लेशन है वो आपको मैं भिजवाऊँगा। वहाँ पर हैं डॉक्टर कात्यानी, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो आपसे बात करें और वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पीस का लेजिस्लेशन। इसमें देखिए हमारी सोच ये होना चाहिए कि आप कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम एडवोकेसी पे विश्वास करें। अनुज जी मेरी बात मेरा ये कहना है कि हम प्राइवेट मेंबर को पकड़ के इसको एज ए प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश कराएं, जिससे कम से कम डिबेट तो जनरेट हो। ये तो मुझे मालूम है कि ये लोग कभी नहीं करेंगे। तेरी पूरी बात नहीं सुनी, इसकी मैं दो तीन बार यही बात बोल रहा हूँ। मैं बोला प्राइवेट मेंबर का बिल ही डालेंगे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पीस का है, कनाडन गवर्नमेंट ने कर लिया है, बाकी सरकारों ने किया है, जो विकसित राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ भी हो सकता है वो। और वो वाला जो बिल है वो हमने बना दिया था, तो वो हम आपको देंगे, उसमें आप चाहें और बदलाव करें और प्राइवेट मेंबर बिल की तरह उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहली चीज तो ये, सीएफ भी जो है आपके इस बिल को अडॉप्ट करता है, हम जो उसमें और संशोधन आवश्यक समझेंगे वो संशोधन भी करेंगे, और हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खोजेंगे जो उसको एज ए प्राइवेट बिल जो है लोकसभा में पेश करे। हमारा मंतव्य जो है ना उसको पास कराना बिल्कुल नहीं है, हमारा मंतव्य है कि हम उस पर एक पॉजिटिव डिबेट क्रिएट कर पाए। जी, तो आपने जो बात कही है, तो बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि एक प्राइवेट मेंबर बिल डिपार्टमेंट ऑफ पीस का, वो लेजिस्लेशन मैंने खुद ही ड्राफ्ट किया है बैठ के, और वो कनाडा में हमने पास करवाया है। वो आपको, वो कत्यानी से बोलूंगा कि वो आपका, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ नंबर, तो शी विल टॉक टू यू एंड शी विल शेयर इट विद यू। तो पहली चीज। दूसरी चीज है, एक अपन लोग प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा, और चाहे वो एनआरआई इंडियंस हों, चाहे देश में बैठे हुए अपने भारतीय हों, बिल्कुल ये संभव है। और तीसरी जो जरूरी चीज है, जी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कह रहा हूँ कि हम प्रेशर ग्रुप बैकग्राउंड में बनते रहेंगे, लेकिन उसके पहले हम सॉल्यूशन ग्रुप बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे जो करिए एग्रो टेक्नोलॉजी है, देखिए कॉमन सेंस का यूज करके इसराइल ने बहुत सारे काम किए हैं, तो जहाँ जिस कंट्री में जो जो हो चुका है उसका एक हम लिस्ट बनाए, एंड हम उसको जो है अपने हिसाब से इंडियन कल्चर के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके उसमें RFID लगाएं, GPS लगाएं, IoT डिवाइसेस लगाएं, सो दैट जो हमारा वैल्यू सिस्टम खराब है आज जो है वही ईमानदार है जिसे बेईमान होने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हमारा वैल्यू सिस्टम डिटोरिएट कर गया है। आज के केस में कोई भी देवता नहीं है, ना किसान देवता है। किसान जो है ना भी धूर्त है, वो भी जो है बहुत ज्यादा जो है ना मिट्टी मिलाने से लेकर जितने भी गंदे काम हो सकते हैं वो कर रहा है। वही जो है हार्मोनल इंजेक्शन दे रहा है, वही जो है ना गायों को, भैंसों को, वही मुर्गियों को जो है ना इंजेक्शन लगा रहा है, वही जो है ना फलों में इंजेक्शन लगा रहा है, सब्जियों में इंजेक्शन लगा रहा है। तो हम देवता कहाँ हुए, हम तो दूसरे के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए बहुत अच्छा लगा मैथिली जी। एक्चुअली मुझे 10 बजे एक और जगह से फोन आना है, तो बस आपसे यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर से मिलते रहेंगे इसी तरह से और अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अभी अभी अपन कुछ कुछ निर्णय ले लेते हैं। पहला निर्णय ये है कि सीएफपी तो पीस का मैं आपको भिजवा रहा हूं, और जो उसको आपका पीस बिल है, जी तो आपका पीस बिल है उस पे डिबेट करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको इंडिया अपने लोकसभा में प्राइवेट बिल की तरह पेश कराने का कोशिश करेंगे। पहली ये चीज अपन उसको अडॉप्ट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू जो है, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाए, एक जो है ना जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, मैकेनिकल रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, इवन इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हो, ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हम किसी देश का सॉल्यूशन अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। मैं अनुज जी आपसे एक घोषणा करना चाहता हूं कि आने वाले समय में सीएफबी का जो R&D का जो
बजट रहेगा वो विश्व में सबसे अधिक होगा, वो अमेरिका चाइना से भी बड़ा होगा। बहुत अच्छा। इंडिया इंडिया विल बी द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हब अंडर अम्ब्रेला ऑफ क्राइम फ्री भारत। बहुत बढ़िया, तो बहुत बधाई, ये सोच के लिए बधाई, जब होगा तब तब आती अलग है और ये हम लोग करके रहेंगे। नहीं नहीं, लेकिन वो आपके बिना नहीं हो पाएगा। नहीं, हमें हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उनके ग्रुप बनाना है, उनको काम सौंपना है, उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करना है और लोगों को बिना दिक्कत के उसका लाभ पहुंचे। हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, वी आर एंटी नॉलेज, वी आर एंटी अवेयरनेस। हम डिग्रियां नहीं बांटेंगे, हम सर्टिफिकेट बांटेंगे और उसको हम रोजगार से लिंक कर देंगे। तो हमारे व्यक्ति को हम स्किल डेवलपमेंट खुद करेंगे और नेक्स्ट डे से उसको रोजगारी भी देंगे। तो अभी जो प्रेजेंट डाइकोटॉमी है, वी वांट टू रिमूव दैट डाइकोटॉमी। बिल्कुल। तो इसी इन्हीं संकल्पों के साथ जो है आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली जी, और पुराने दिन फिर से याद ताजा हो गए और हम लोग जरूर कुछ बदलाव लाएंगे कुछ नई सोच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग जो है एक टीम के बतौर काम करेंगे और ऐसे एनआरआईज का ग्रुप बनाएंगे जिससे कि जो कि हमारा जो ब्रेन का जो सेंटर है वो आइडिया वहां से भी हमारे पास पहुंचे। ठीक, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से धन की कोई कमी नहीं है, तो हमें अगर मन है तो धन है, प्रॉब्लम होने वाली है। हमारा मेरा ही सोचना, अगर मन है तो धन है, धन है तो मन नहीं, मन है तो धन है। तो यहाँ मन भी है, थिंकिंग भी है, मॉड्यूल्स भी है, पाथवेज भी है एंड सॉल्यूशन भी है। और ये सॉल्यूशन कॉस्मोस से फ्लो हो रहे हैं, तो समस्याएं हैं उसके फाइनल कंट्रोल भी मिल जाएंगे। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बीज जरूर निकाला। थैंक यू।